ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय गजाननं भूतगणाधीशेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमाश्रितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलायाशुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतवीरदेवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीम् अवीणा पुस्तकधारिणीम् अवद्यां जाट्यन्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदिकामरूपिणीं अविद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं प्रकाश सर वाराणसी से ई लर्निंग विद दुर्गेश के अपने इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज बहुत सारे कुछ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो आगामी रीट परीक्षा के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगी और साथ ही साथ जो लोग यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल होगी। यूपी टेट, सुपर टेट, जो भी संस्कृत के व्याकरण वाले जितने भी कोर्स हैं सभी टेट में प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी लोगों को नमस्कार। ठीक है, तो जी नमस्तुभ्यम। किस तरीके की ग्रेटता, किस तरीके के महानता, वो तो सभी लोग, आप सभी लोग महान हैं, सभी लोग पूजनीय हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि नायक इस पद का संधि विच्छेद है। नायक जो यह पद है इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? नेधन, अकह, नाधन, यकह, नायधन कह या फिर अकह। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग पता है कि यहाँ पर आय बना है और जो अय अय अव आय और आव यह जो बनता है ना, यह एचो अयवा याव सूत्र से अयाद संधि होने के बाद में बनता है। तो इसमें अयाद संधि अगर देखोगे तो कहते हैं कि एचो अयवा एच का एच प्रत्याहार जिसमें आते हैं ए ओ ए और औ, तो यह ए ओ ए और इन चार प्रत्याहारों सॉरी चार इस प्रत्याहार में चार वर्ण है, इन चार वर्णों का चेंजिंग होता है जब इसके बाद में कोई स्वर आ जाता है। तो ये हो जाता है अय में, ओ हो जाता है अव में, अय हो जाता है आय में और औ हो जाता है आव में। यहाँ आय हुआ है तो आय अय वाले से बनेगा। तो यहाँ देखो ए है, नहीं बनेगा यह आ, नहीं बनेगा, ये सब बिल्कुल फर्जी है। आपका राइट आंसर बन जाएगा किसमें? डी में। आप हमारी बातों से सहमत होंगे। किस तरीके से आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं कि कौन सा शुद्ध होगा, आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं कि हाँ क्या वो इसमें राइट आंसर होगा। अगर थोड़ी सी अगर आप लोग ध्यान लगाएंगे तो बिल्कुल राइट तक पहुंच जाएंगे। संस्कृत में कितने लिंग हैं ये आपको बताने हैं कि कितने लिंग हैं संस्कृत में। ठीक है, आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीव, शशि भव, कीर्तिमान भव। घबराने की कोई बात नहीं है, अभी जो है बस सीटेट भी हो ही जा रहा है, तो उसके बाद फिर हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट पे आ जाएंगे। ठीक, गियर चेंज, यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट पे आ जाएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। रही बात है संस्कृत व्याकरण की, तो संस्कृत व्याकरण सभी टेट में है, चाहे वो मध्य प्रदेश टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, राजस्थान टेट हो, बिहार टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, कोई भी टेट हो, उसमें संस्कृत का व्याकरण ये सब अनिवार्य रूप से सिलेबस में डाल दिया गया है और ये आने ही आने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रहती बात यह है कि थोड़ा क्वेश्चन कम, थोड़ा क्वेश्चन अधिक, इससे ज्यादा कुछ और नया नहीं होता है। तो आप संस्कृत के सिलेबस को अच्छे समझ जाएंगे, बिल्कुल कुछ दिन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है। तो संस्कृत में लिंग की संख्या जो बताई गई है क्या होती है, वो तीन है।
कौन कौन है, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, यह तीन लिंग हैं और तीन वचन हैं संस्कृत में। कई बार क्वेश्चन आता है वचन कितने हैं, वचन की संख्या तीन है। ठीक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्वेश्चन पूछते हैं पुरुष कितने हैं, तो पुरुष कितने हैं आप कितना बताओगे, पुरुष भी तीन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्वेश्चन को पूछेंगे कि समास कितने हैं, समास छह हैं। ठीक, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार है, द्विगु, द्वंद और बहुगृही, ये जो कारक सॉरी समास छह हैं। क्वेश्चन पूछेंगे कारक कितने हैं, तो कारक की आप संख्या कितना बताओगे, छह हैं। कौन कौन, कि कर्ता, कर्म, च, करणम, असंप्रदानम, तथैव च, अपादानाधिकरणे, इत्याहुः कारकाणि षट्। इससे कारक छह हो गए हैं। और पूछेंगे विभक्ति कितनी है, विभक्ति आप सात बताइएगा। ठीक, कौन कौन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, बस इतने ही आपको क्या है, विभक्ति है। फिर संबोधन जो है, संबोधन में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी विभक्ति होगी, तो आप बताइएगा संबोधन में प्रथमा विभक्ति होगी। और जो लोग इन सारे क्वेश्चन का जवाब दिए हैं भाई, वो तो बहुत एक्टिव है, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के साथ साथ उत्तर बताते चल गए आप लोग। और जो लोग नहीं दिए हैं वो लोग, मैं क्वेश्चन और उत्तर सब बता दिया। ये सब संख्याएं बार बार पूछी जाती हैं। ठीक, तो यहाँ बताना संस्कृत में कितने लिंग हैं, तो तीन लिंग हो गए, बिल्कुल राइट हो गए। कुछ लोग केवल धड़ाधड़ कुल क्वेश्चन उचारना चाहते हैं, केवल धड़ तो सत्संगति ही कथा यकीन न करोति पुनशाम। सत्संगति से क्या नहीं हो सकता है, ध्यान देना। जब जब वो एक नीति की वचन है कि अगर आप सत्संगति करते हैं तो कभी भी आपको दोष नहीं होगा, अर्थात सत्संगी पुरुष अगर दोष युक्त पुरुष के साथ भी रहे तब भी उसको वो उसको दोष नहीं लगता है। अब सोचिए दोषी सत्संगी साथ रहे तो कैसे दोषी हो सकता है, इसीलिए कहा गया है क्या कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो इस तरीके से आप सारी बातों ध्यान देना, ये जो ये है नीति की बातें हैं, और नीति की बातें नीति सत्कम में कही गई हैं। नीति सत्कम भर्तृहरि जी द्वारा रचित ना, नीति सत्कम कौन लिखा है, ये तीन शतक लगाए हैं, कौन कौन, श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम, सभी में सौ सौ श्लोक डाल दिए गए हैं, इसलिए सत्कम नाम पड़ गया। और जब वो अपने युवावस्था में प्रेम में लिप्त थे तो उस समय की वर्णन किए हैं वो, तो वो उसके बारे में लिखे हैं श्रृंगार शतक। और जब वो राजा बन गए थे और वो राजा बनने के बाद में नीतिगत कार्य किए, बहुत सारे नीतियों पे काम किए, तो वो अनुभव लिखे हैं नीति शतक में। और जब वो वैरागी बन गए थे तो अपने अनुभव को वैराग्य शतक में लिखते हैं। तो यह तीन शतक याद रखना भर्तृहरि जी के। देवदत्त किसके संघ का नाम है, कई बार हम कहते रहते हैं कि जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा किसका संघ है। आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीवी, शशि भव, कीर्तिमान भव, सभी लोगों का कल्याण हुए, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। देवदत्त किसके संघ का नाम है, कृष्ण के, अर्जुन के, भीम के या फिर युधिष्ठिर के। तो देवदत्त किसके किसका नाम था, किसके संघ का, भीम के। कृष्ण जी के संघ का क्या नाम था, सभी लोग या फिर अर्जुन के। कृष्ण जी का संघ बताओ, अर्जुन का धनुष बताओ, ये दोनों लोगों का दो फेमस है, जैसे आगरा का पेठा और रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, भूल गए हम। महाभारत का अंतिम पर्व है, महाभारत का अंतिम पर्व कितने हैं, कौन सा है, कितने नहीं पूछ रहे हैं, कौन सा है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो प्रश्न संख्या पांचवें का जो राइट आंसर आएगा अंतिम पर्व, अभी हम एक दो दिन पहले यह क्वेश्चन करवाए थे और कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए यह मैं बीच बीच में करवाता रहता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उठा उठा के रिपीट कराता रहता हूँ ताकि आप सभी लोग ध्यान रखें। यही सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, और बहुत सारे लोग बच्चे हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो उनके लिए यह प्रथम बार ही कुछ क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन में रिपीट करते हैं, कुछ क्वेश्चन को रिवाइज करवा देते हैं। अब जैसे यथाशक्ति आप बचपन से पढ़ते आए, न जाने कितनी बार रिवाइज किए होंगे। यथाशक्ति में अव्यय भाव समास, ठीक है, शक्ति अनतिक्रम्य ना, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। यहाँ देखना प्रश्न संख्या सात में आओ, संस्कारों की संख्या कितनी मानी गई है, ये भी अभी हम हाल ही में क्वेश्चन पूछे थे। संस्कार कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार, जिसमें अंतिम संस्कार बार बार पूछा जाता है। अंतिम संस्कार कौन हो जाता है, अंत्येष्टि संस्कार। अगर कहेंगे प्रथम संस्कार क्या होता है बच्चे की जिंदगी में, तो आप लोग प्रथम संस्कार जरूर बताना। अच्छा, लखनऊ की रेवड़ी, चलिए बिल्कुल सही, ध्यान रखेंगे। आयुष्मान भव,
दिग्विजयी भवा, चिरंजीव यशस्वी भवा, कीर्तिमान भवा, सभी लोग बताए हैं कि गांडीव अर्जुन जी का गांडीव था। बहुत सही करेक्ट आंसर आप लोगों ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 16 संस्कार, और इसके बारे में सोशियोलॉजी में बड़ा बड़ा जबरदस्त तरीके से बताया गया है। जब मैं सोशियोलॉजी का एक बार पेपर दे रहा था तो उसमें भी हम भी देखे, हम करी वाह क्या बात है। तो भर्तृहरि के अनुसार धन की कितनी गतियां होती हैं? भर्तृहरि जी धन की कुल 3 गतियां बताए हैं, सॉरी बता भी दिए हम उसे, 3 गतियां बताए हैं। कौन कौन? दान, भोग और नाश। कौन कौन? दान, भोग और नाश। अगर कोई व्यक्ति धन को दान नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति धन का भोग नहीं करता, तो तीसरी गति ऑटोमेटिक हो जाएगी, वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो दान की कुल भर्तृहरि जी ने 3 गतियां बताया है, और 3 गतियों के बाद में, 2 गतियों के बाद में अगर आप 2 गतियां नहीं प्रयोग में लाते हैं, 2 गतियों को आप नहीं करते हैं, तो तीसरी गति स्वतः ही अपने आप से हो जाएगी, अर्थात उस धन का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। उस धन का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। दानो भोगो नाशाश्रे, ऐसा श्लोक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत बेहतरीन नाटक है, और मालविका अग्निमित्रम को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। पांचजन्य अभी को आंसर आ रहा, बहुत सही, ठीक है। हाँ, 3 गति होती हैं, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर किया। यहाँ बताओ कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 5, 6, 7 या 9, अभिज्ञान शाकुंतलम में। और यह कवि कालिदास जी द्वारा रचित नाटक बेहतरीन नाटक है, 7 अंकों वाला है, और इसमें से चौथा अंक बहुत महत्वपूर्ण है। चौथे अंक के चौथे अध्याय, चौथा अंक में चौथा श्लोक गजब का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा अच्छा है। आगे देखते हैं, अलगाव में विभक्ति कौन सी होती है? अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में कौन विभक्ति लगाएंगे? अच्छा बेटा, अंधविश्वास व कर्मकांड देश को कमजोर कर रहा है, पढ़ लोगे तो लगेगा कि नहीं हम आप देश को कमजोर कर रहे हैं, और हमको तो मत करना, हम तो नहीं कर रहे हैं। आप जो है जरूर, आप लोग जरूर देश को कमजोर कर रहे हैं। अब इसमें से अगर कोई बच्चा ये कहता है कि जितने लोग नौकरी कर रहे हैं उनको जो है वो कर दीजिए, उनको 45 साल में रिटायर कर दीजिए, आपको जब नौकरी लगेगी, सपोज करो अगर आपकी नौकरी लगी है 35 साल में, आप 32 साल में, सपोज करो 30 ही साल में आप लोगों की नौकरी अगर लग रही है, और नीचे वाली पीढ़ी आए और आप लोगों को कह दे कि 35 साल में रिटायर कर दो, बहुत मजा आएगा क्या? सबका जब पूरा पेंशन बंद हो गया है, अब जो बुढ़वे होकर के रिटायर होंगे उनकी थोड़ा हाल समाचार पूछना, बब्बा दद्दा की कीमत तभी है बेटा जब वो पा रहे हैं कुछ पेंशन है, और कि कौन कौन भ्रष्ट किए हैं और कौन कौन लिपपोत किए हैं सब पता चल जाएगा। वही व्यक्ति जो है कह रहा है कि किस पे बात अभी आ रही है कि पर ये सब मतलब नौकरी ना दो, ये ना दो, वो ना दो, सबको प्राइवेट कर दो, जो जिंदगी में कभी कुछ पढ़ा नहीं, कुछ लिखा नहीं, और जो 30 साल तक 32 साल तक यहाँ सभी लोग पढ़ने वाले बेचारे रुके हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उनको कोई पेमेंट बनता है क्या? उनको कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। कोई गारंटी है क्या कि आप जब 30 साल में नौकरी दो करके 35 साल में उनको पदच्युत करोगे तो 5 साल में पूरे जिंदगी भर का उनका पेमेंट कर दोगे? नहीं ना। और ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं बहुत सारे जो पढ़े लिखों की तुलना, मतलब हम क्या बताएं, पढ़े लिखों के बुद्धि या ज्ञान का आकलन ही अनपढ़वे कर रहे हैं। अब गुस्सा ना लगाओ हमको, इससे ज्यादा गुस्सा हो जाएगा तो फिर मेरा दिमाग खिसक जाएगा, फिर हम बहुत सारा बोल देंगे, कहेंगे सर आप तो बहुत मतलब इतना गुस्सा आता कहाँ से, और आपको पता नहीं है कि कोप कौन करता है। अलगाव में विभक्ति होती है, कौन सी होती है? पंचमी होती है, पंचमी होती है, ठीक है। अलगाव के अर्थ में पंचमी होती है, अपादान वाली। निधातु का यहाँ करें कि लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? लुट का यहाँ पे कर लेना चाहिए था आपको, निधातु का लिट लकार में कहोगे तो भी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 11, लुट लकार में नीचे, ठीक, क्योंकि 5 ही लकार बार बार पूछे जाते हैं तो इसमें लगाओ। तो प्रश्न संख्या 11 में जो बनेगा वो हमारे समझ से यही है, लुट लकार है, और नेश्यति बनेगा। क्या बनेगा? नेश्यति, ठीक। यहाँ एक से ए बन गया है, गुण फल हो गया, नेश्यति बनना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा निधातु वाला, ले आने के अर्थ में, द्विकर्मक धातु है वो। 6 वर्ण का उच्चारण स्थान है, 6 वर्ण का उच्चारण स्थान। अभी जो लोग आप लोग पढ़ रहे हो क्या इतना ज्ञान नहीं है कि आप लोग प्राइमरी को पढ़ा सके हैं?
सीट बढ़ती जा रही है, सीट बढ़ती जा रही है, इतना बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, और मतलब वही है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत सारा हो गया है और आगे खपत कम है। ऐसा कैसे हो सकता है, जब आदमी कम थे, बच्चे कम थे, तो टीचर उतने अधिक थे। आज के समय में टीचरों की संख्या बढ़ी नहीं है, पद नए पद बढ़े नहीं है, और वो भी पद को नारायण भजन है। आप लोगों की भर्ती के बारे में यह कहा जाता है कि आप लोग को अच्छा मतलब एक अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षक बच्चों को देना है, शिक्षा नीति के अनुसार अच्छी गुणवत्ता का टीचर, इसलिए आप लोगों को बीए करना पड़ेगा या बीएससी बीकॉम, फिर बीएड करना पड़ेगा या बीटीसी करना पड़ेगा, फिर जो है टेट करना पड़ेगा, फिर जो है सुपर टेट करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाला है। और फिर अगले ही लोग में कुछ लोग आके कह रहे हैं कि शिक्षा में जो है सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, इसको प्राइवेट कर दिया जाए। और कौन सा प्राइवेट स्कूल के टीचर जो है टेट भी नहीं पास है, टेट भी नहीं पास है, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना बहुत सारे, टेटो नहीं पास है। हम तो ऐसे चले बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल दिखाएं अपने बनारस में, बहुत सारे मास्टर हैं जो टेटे नहीं पास है और प्राइवेट स्कूलों में धुन के पढ़ा रहे हैं, कितने तो बीएड भी नहीं किए हैं, फर्जी डिग्री लगा के करवा रहे हैं। आप सभी स्कूलों का जांच कर लोगे, पूरा पूरा क्लियर मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिए वहां पे कौन सा टीचर पढ़ाता है ट्रेंड, और वो अच्छा है, वो अच्छा है। कोई कह रहा है कि प्राइवेट वाले चलाएंगे तो अच्छा चलेगा, सब प्राइवेट चलाएंगे, चलाओ प्राइवेट। च वर्ण का उच्चारण स्थान है, च वर्ण का, ईचू यशा नाम तालु, ईचू यशा नाम तालु, च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। क्या आदमी जब है जिसको चला नहीं पा रहा है, घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि घर के बच्चों को बेच दो, घर के बच्चे को प्राइवेट कर दो, फिर अगर घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं तो। हाँ, बीएडो नहीं है, वही कर रहे हैं, बीएडो ठीक से नहीं किए हैं और सब पढ़ा रहे हैं, वो गुणवत्ता युक्त शिक्षा देंगे। अभी अभी एक न्यूज आई, हम नहीं नाम लेंगे, सोचो पूरा का पूरा कितना कई हजार करोड़ का जो है पकड़ा गया है, सब नशीली पदार्थ, अब हम नाम नहीं लेंगे ज्यादा। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, 10, 12, 15, 18। कोई कहेगा कि उस नशीली पदार्थ से जो है दवा बनाई जा रही है, हमारे यहाँ दवा की बहुत खपत है, वो गड़बड़ से वहां पर। फिर कोई कहेगा कि कहाँ से, अब छोड़िए हटाइए भाई, अब जैसा आप लोग चाहें। एक क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। तो वही बात है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है बताओ, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, इसका सूत्र भी बताना, किस सूत्र से यह विभक्ति हुई है। जितने लोग पढ़ने वाले हमारे क्लास में है, कोई चाहता है कि सारे सरकारी पद खत्म हो जाएं, अब मतलब सरकारी टीचर नहीं रखे जाएंगे, प्राइवेट रखे जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं पढ़ाई छोड़ करके प्राइवेट में जाओ, क्योंकि वहां पढ़ने की जरूरत नहीं, सोचो क्या देश हो गया। अच्छा, हमको लगता है ना कि हर जगह पर हर 10 लोग अच्छों में 4 जो है एकदम बेवकूफों को डाल दिया गया, अनपढ़ों को डाल दिया है, जो ना एको अक्षर एको एग्जाम नहीं पास कर पाए इनको डाल दिया गया, और यही सब जो है दुनिया भर का मैसेज पास करते हैं, यही सब जो है दुनिया भर का मैसेज पास करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, 13 में 18 है, पुराण संख्या 18 ना, अष्टादश। कर्म कारक में है द्वितीय विभक्ति सूत्र लगता है कर्मणि द्वितीय, और हमारे यहाँ की जो आयोग थी इसको कई बार जो है गलती देती है और सही करती है, फिर गलती करती है फिर सही करती है, लेकिन ध्यान देना पूछेंगे कर्म कारक में विभक्ति किससे होगी, तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, पुत्रेण सह माता गच्छति, यहाँ रेखांकित पद पुत्रेण में कौन सी विभक्ति होगी ये बताओ। कर्तुर रिप्सित तम कर्म से किसी शब्द में जो है क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा होता है, वो कर्म बनाया जाता है उसको। ठीक, उसको कर्म बनाया जाता है, कर्तुर रिप्सित तम कर्म। हमको तो लगता है ना बेटा, सच बता रहे हैं, कि व्हाट्सएप की कई ग्रेड होनी चाहिए, जैसे एक ग्रीन, एक येल्लो, एक ब्लू, एक रेड, एक गोल्ड, इस तरीके से। जो ग्रीन वाले हैं सपोज कर सबसे नीचे वाले, इसमें कोई भी आदमी आए अपना ओटीपी डाले, मोबाइल वेरीफाई करे और व्हाट्सएप चला सकता है। इसके ऊपर वाले जो सी ग्रेड के पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनकी आईडी जब तक इसको वेरीफाई मतलब जांच न कर लिया जाए, सारी मार्कशीट वगैरह अपलोड न कर दिया जाए,
आधार कार्ड वगैरह सब कुछ डाल ना दिया जाए तब तक यह इसको ना वेरीफाई करें। उससे ऊपर वाले जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह हैं, जो लोग टीचर शिक्षक समुदाय वाले हैं, इन सभी के लिए इनकी आईडी के साथ में वेरीफाई किया जाना चाहिए। यह एक दूसरी व्हाट्सएप वहीं रहे, उसका कलर अलग रहे। इसमें किसी अनपढ़ों, गवारों, चूतियों का जो है आईडी वेरीफाई नहीं होना चाहिए। अब इस वाले में क्या हो जाए, इसमें कुछ अधिकारी जो वर्ग है इनके जो है आईडी वेरीफाई हो, उसमें जो लोग नहीं अधिकारी वर्ग है उनका आईडी वेरीफाई ना हो पाए। यहाँ पे जाओ उससे भी बड़े जो राजनेता लोग या ये सब लोग हैं इनके आईडी यहाँ पे वेरीफाई हो, मान लीजिए उनको सबसे वरिष्ठ रख दिया जाए और यहाँ पे उनकी आईडी उसमें, मतलब कोई बिना नेता वाला आदमी इसमें उसका आईडी वेरीफाई नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो फर्जी पोस्ट डाले जाते हैं, जब भी कभी हम न्यू पोस्ट डालें तो उसके ऊपर एक क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर आईडी जनरेट हो जानी चाहिए। और जब भी कभी हम अगर उसको शेयर करते हैं तो उसके पीछे उसकी हिस्ट्री में जा करके वो पूरी आईडी सेव होती जाए, या फिर इस तरीके का चोरी ना हो, केवल ऐसा हो बस, और केवल और कुछ नहीं। तो अब इससे क्या होगा कि जो गंवारे लोग जो शेयर पोस्ट को शेयर करते हैं कम से कम इन ग्रुप्स में नहीं आएगा, और जब इन ग्रुप्स से कोई चीज आएगा तो ये होगा कि हाँ इस बुद्धि के स्तर वाले व्यक्ति ही इस वाले में वोट कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं इसको अलग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ भीड़ में हमको मजा लेना है, भीड़ में ही तो मजा लेना है। गरियाए भीड़ में जाएगा, मेला में मुड़ी नीचे करके गरियाए देगा खूब जोर से, अब पाणक मच जाएगी कौन गरियाया, और सारे लोग बदनाम होंगे, जूता सभी लोग खाएंगे। अब बिल्कुल पढ़ा रहे हैं बेटा, क्या करें। कभी कभी सोचते हैं कि आप लोग पास में कुछ न कुछ एक रहना चाहिए टारगेट में। अच्छा, सह साकम सार्धम समम तृतीया, सह के योग में क्या हो जाता है, सह साकम सार्धम समम सबके योग में होता है तृतीया विभक्ति, तो यहाँ सीधे त्रण हुआ है। ठीक है, अहम पुस्तकम पठामि को कर्मवाच में बदलिए। चलिए बदलते रहिए आप लोग, आप लोग पास होना चाहिए ज्ञान। अजानते हम भी छोटे थे ना तो लोग कहते थे कि पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नहीं रखना चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में जहां जानकारी नहीं रखोगे तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे, कहीं कुछ हो ही नहीं पाओगे, पीछे कर दिए जाओगे। तो पॉलिटिक्स के बारे में भी जानकारी रखना अनिवार्य है, जरूरी है, रखते रहिए ज्ञान, छोड़ के किसी चीज को आगे नहीं भागा जा सकता, इतना ध्यान रखिए। अहम पुस्तकम पठामि, अहम यह प्रथमा में है, यह द्वितीया में है, यह जाएगा सीधे तृतीया में, यह जाएगा प्रथमा में, और ये पठामि जो है यह पुस्तक के अनुसार हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा। अब प्रथमा से तृतीया जाएगा, सभी जगह मया हो जाएगा ना, अहम माम मया महियम, तो मया में जाएगा, किस में जाएगा, मया में, तो मया यहाँ भी, मया यहाँ भी, मया यहाँ भी ना। अब पठते 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 सभी जगह, अब सारी बातें माने ये सब करेक्ट है, सब करेक्ट है, सब करेक्ट है, यह वाला गलत है, एक तो मम लिख दिया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अब पुस्तक होगा कि पुस्तकम होगा, ये दोनों एक ही जैसे शब्द हो गए ना, एक ही जैसे हो गए, पुस्तकम यहाँ भी, पुस्तकम यहाँ भी, मया सब कुछ एक ही जगह बना दिए। तो प्रश्न संख्या 16 में कुछ इरर कर दिए, बी और सी दोनों में सही हो गया है। अब यहाँ पर जो है एक जगह कुछ गलत कर भी नहीं सकते हम इस समय, फिलहाल ये दोनों एक ही छप गया है और यही सही भी है, तो जो लोग बी या सी कर रहे हैं दोनों लोगों का सही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 सही आपने किया है, मया पुस्तकम पठ्यते, ग्रीष्म ऋतु में प्रयुक्त संधि है, ग्रीष्म ऋतु इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी है। वैसे आप संस्कृत बड़ा शुद्ध टाइप की हैं, भगवान करें आपका तेज ऐसे ही चमकता रहे और आपकी अंगुली संस्कृत के लिए एकदम टिपाती रहे। इसमें से कितने लोग होंगे जो केवल संस्कृत से ही पढ़ करके आए होंगे। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में प्रयुक्त संधि कौन सी है, जब कहीं अर हो जाए या अल हो जाए, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, उष्म ऋतु ऐसे करके आए तो वहां से भी जगह गुण हो जाती है, क्योंकि अ ए और ओ की गुण संज्ञा होती है, अ को अर और इसको केवल इसको अल के फार्म में दिखाई देता है, तो यही अर वाला आता है। आपको क्या लगता है कि केवल बस मैं कर्मकांडी हूं, ज्ञान बहुत सही लिखा गया है बेटा। जो लोग कभी वेद नहीं पढ़ पाए, जो लोग कभी पुराण नहीं पढ़ पाए, जिनको पढ़ने का सहूर तक नहीं हुआ, वो लोग क्या कहने लगे कि वेद बेकार है, कर्मकांड बेकार है, अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ, या एक हो कि उसके पीछे लूटने का व्यवस्था कुछ बना दिया गया। पाणिपादम में समास है, पाणिपादम में कौन समास हो जाएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है अहिनकुलम पाणिपादम पितरऊ चटकाऊ, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वंद्व समास में आता है। पाणिपादम माने हाथ और पैर, हाथ और पैर आता है पाणिपादम, ध्यान देना। अहिनकुलम में आता है सर्प और नेवला, ठीक है, अहिनकुलम और पाणिपादम।
हसन शब्द में प्रत्यय है, हसन अन लगा है, बताओ। और जिसको जिसको जो है भारतीय संविधान का ज्ञान नहीं है वो अंबेडकर को मूर्ख समझेंगे, जिसके पास इतना भाषाओं का ज्ञान था वो बेवकूफ था और हम लोग आज बुद्धिमान हो गए हैं, ऐसा होता है। नारायण श्री हरि। तो सभी चीजों को ध्यान रखना चाहिए, जो अद्वितीय था वो अद्वितीय है, अगर आप उससे अच्छा कुछ बना पाओ तो बताओ। हसन शब्द में प्रत्यय है, हसन, और ये भी नहीं कि केवल एक ही जी के द्वारा जो लिखा गया संविधान है, उस पर पूरी की पूरी जो बैठक हुई है, सभी लोग जो है उसको चिंतन मंथन मनन सब पे जो है अच्छे से बहस हुई है, तब आजकल की तरह बिल की तरह नहीं कि सीधे डाल दिया जाए काट से, हाँ हाँ मान लो सभी लोग आओ फलाने सिग्नेचर करो जाओ, ऐसा नहीं। तो पहले सभी लोग क्या करते, बहस करते थे, बातचीत होता था। हसन शब्द में प्रत्यय है, हसन, प्रश्न संख्या 19, इसमें राइट आंसर आ जाएगा सत्री। सत्री का अत बचता है, अत अंति अन, यह आप में उसमें चलेगा तो हसन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, हसन। उष्म व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं कौन, आयुष्मान भव, और जिसके पास भी समय होगा वो दूरदर्शन पे चला जाएगा। दूरदर्शन पे आप चले जाइएगा और उस पे एक कार्यक्रम है संविधान, ठीक है, पूरी कार्यक्रम बनाई गई है संविधान, करीब 12-13 पार्ट्स में है, 12-14 घंटे की है रिकॉर्डिंग। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग पढ़ रहे हैं तो जरूर उसको पढ़िएगा, और जो लोग गांधी जी को गाली देते हैं उनसे मैं कहूंगा कि एक बार उनकी आत्मकथा भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उष्म व्यंजन पढ़ लीजिएगा, वैसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है, गालियां देते थे पढ़िए, पढ़ लीजिएगा बस। उष्म व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं, उष्म व्यंजन के अंतर्गत वर ल स स स र स स स ह अ इ उ ण, ठीक है, कितने आते हैं। प्रश्न संख्या 20, उष्म व्यंजन के वर्ण किसमें आते हैं, बी में आएंगे, किसमें आएंगे, बी में आएंगे, यही ना, बी नहीं सॉरी बी नहीं रहा उसमें आ गया स स स, क्षम्यताम क्षम्यताम, बी नहीं सी में आएंगे स स स ह, ठीक है, किसमें आते हैं, चार वर्ण जो है आपके ये उसमें रखे गए हैं जो कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, स स स र ह ल, ये 13वां और 14वां सूत्र आपका इसी में बनाया गया है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, क्षम्यताम। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो, हाँ बिल्कुल सही, बनाते कम बिगाड़ते ज्यादा है। एक छोटी सी दृष्टांत हम बताते हैं आप लोगों को, एक पेंटर था बेचारा, वो एक बोर्ड टाइप का लगा था बाहर जहां पब्लिक आती जाती थी, तो वह प्रतिदिन क्या करता था कि उस पोस्टर को एक बढ़िया पोस्टर बनाता था, एक अच्छे विचार उसमें बनाते थे अपना, और उसको उस पर चस्पा कर देता था। तो कुछ लोग आते थे तो वो अंगुली देते थे ना, यहाँ थोड़ा सही कलर गड़बड़ है, यहाँ जो है उसकी आंख छोटी बढ़ा दिया, यहाँ जो है हाथ में सही नहीं बनाया है, यहाँ इसके पीछे यह गड़बड़ कर दिया है, यहाँ टेढ़ा कर दिया, यह ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, 1000 कमियां उस पर लिखता था कि जो कमियां हो उसको आप बताइए, तो वो हजारों कमियां जो है उसमें लिख कर करके लोग वहां पे नोट करा के चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक पेंटर आया, मतलब वो पेंटर आया और कुछ चीजों को फिर एक पोस्टर बनाया, बनाने के बाद में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही बनाया, अच्छा नहीं बनाया, इस दिन का जानबूझ को अच्छा नहीं बनाया, थोड़ा खराब बनाया, बनाने के बाद में उसको चस्पा किया और यहाँ पर लिखा कि जो कमियां हैं उसको आप सुधार के बना दीजिए, सुधार कर दीजिए, अगर हम कहेंगे केवल तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, सुधार दीजिए माने बना दीजिए, और नीचे जो है पूरे पेंसिल, पूरे कलर, पूरे इंस्ट्रूमेंट, ब्रश सब कुछ और रख करके चला गया। अब जो भी आए ना, अच्छा बनाया है, कोई कमी नहीं है, जो भी आए अच्छा बनाया है, कोई कमी नहीं है, हाँ, तो एक तो बनाएंगे भी नहीं, अब अगर ये पेन लेकर के बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या करेंगे, तो बनाना तो है नहीं, केवल दूसरे केवल नौटंकी दिखाना है, कुछ सब बनाने वाली कुछ बात तो है नहीं। पाणिनि के अनुसार जो प्रत्याहार है, प्रत्याहारों की संख्या 42 मानी गई है, कितनी मानी गई है 42, और दो प्रत्याहार र और एक यम प्रत्याहार को कुछ विद्वान अलग से मानते हैं, तब प्रत्याहार बढ़ कर करके कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी, कहीं लिखा होगा तब, हाँ उस दिन सब अच्छा था। दीफार बम्बे, एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कितने वर्ण आते हैं, सॉरी कौन कौन वर्ण आते हैं, कौन से हैं सुनता हूँ, एक प्रत्याहार आप पढ़े होंगे इको यणची, और मैं कहा था अण प्रत्याहार, इण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार,
ये सब हल प्रत्याहार, खर प्रत्याहार, जो जरूरत पड़ रहा है आप लोगों को यहाँ पर, उसको कम से कम आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा प्रत्याहार प्रायत, तभी इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा एक में। तो बोलो अ ई उड़ा रिल री क, हम भी बोलते ना, मतलब इतना ज्यादा प्रत्याहार रटे नहीं है हम, जब आता है तो आप हमको कहीं से भी कह दोगे टेढ़े मेढ़े, हम वहीं से सुनाना स्टार्ट कर देंगे। कोई कहे सर च से सुनाओ तो हम बोलेंगे च ट त व क प य स स स र ह ल। अगर कोई कहे हमसे कि गुरुजी आप ह से सुनाइए तो हम कहेंगे ह य व र ट ल ण य म ण न म झ भ य। कोई कहेगा इस वन सुनाइए तो ई अ के बाद ई वही में आता है अ ई ऋ क ए ओ ङ य य ओ च, ऐसे सुना देंगे। कोई हमसे कह दे नहीं ख से सुनाइए, ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स र ह ल। कोई कहे गुरु जी आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप ञ से सुनाइए तो सुनाएंगे ञ म ङ ण न म झ भ य घ ढ ध स जब घ ढ द स। तो उसके मतलब कहीं से भी आप कहो पहला वर्ण दूसरा वर्ण तीसरा वर्ण स्वर से ए से सुनाइए ए ओ ङ य य ओ च ह य व र ट ल ण य म ङ ण न म। इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि अगर आपसे कोई कहे 18 के बाद गिनती गिनाइए तो आप जाओगे 11 से करने के लिए, 11 12 13 या 1 2 से करने 18 तक, फिर 18 के बाद 19 जाओगे, अरे 18 के बाद 19 20 21 22 कर दोगे, 73 के बाद सुनाओ 73 74 75, इस तरीके से एकदम प्रैक्टिस हो जाना चाहिए जो आप यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं कितने आते हैं, ई उरी री, ई उड़ आ गया, ई उड़ आ गया, ई उरी री, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट है। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है, एकदम कहीं से भी पूछो एकदम आना चाहिए। और पढ़ाने का मतलब ही क्या, पढ़ाने का ही मतलब ही क्या, जब हम भी जो है इसी तरीके से करने लगेंगे लुंड पुंड तो क्या होगा सोचो। तो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते चले, समझ में आए तो अच्छा, सभी लोग बाद में कुछ कमेंट नहीं करते, अपनी फीडबैक को जो है आप सीधे लाइव चैट में ही कह देते हैं और जो है कभी कमेंट वमेंट कुछ नहीं करते हैं, कभी वीडियो खुला के तो नीचे भी कमेंट कर दिया। उपोसती मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और मैं आपको बता दूं जितने एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, आप चाहे क्लास नाइन्थ की ले लीजिए, टेंथ की ले लीजिए, इलेवंथ की ले लीजिए, ट्वेल्थ की लीजिए, बीए की ले लीजिए, बीए की ले लीजिए, एमए की ले लीजिए, सभी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वही एग्जाम्पल वह दिया है उसी जगह। कल एक जगह फिर मैं सुखी शास्त्री किया हूँ, आचार्य किया हूँ, तो मैं बीए की किताब उठाया, लोग हमको दे दिए गाइड कहें हमारे पास से किताब है गुरु जी देखें, तो हम देखे तो हम वही देखे, हम कहे अच्छा चलिए इनके पास यही है बहुत है, तो उसमें भी देखेंगे आप तो वही सारी चीजें एग्जाम्पल सेम सेम। जब हम बोल रहे थे कि इसके साथ एग्जाम्पल 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 दिया गया है तो उसके किताब में मैच करा, क्या सर आप पूरा किताबिया रट जाते हैं क्या, रट नहीं जाते हैं, उस चीज को समझो वही बहुत महत्वपूर्ण है। उपोषति में कौन सा हो जाएगा, आप सभी लोगों ने लगाया ए, कुछ लोग लगाए हैं पररूप, ध्यान देना मैं कहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट तो है, यह पररूप वाला ही सही है। यहाँ पे सूत्र है एक, क्या सूत्र है ध्यान देना, देखो ध्यान, उपधन औसति सूत्र क्या लगता है यहाँ पर, एंग पररूपम, एंग पररूपम करें कि अगर एंग एंग प्रत्यार बने ए ओ, एंग में कौन कितने वर्ण आते हैं, दो आते हैं ए ओ, ए या ओ अगर बाद में रहे, यहाँ पर ए रहे या ओ रहे, और इसके पहले यहाँ वाला जो है यह उपसर्गांत अ रहे, ये ध्यान रहे जो अ है यह उपसर्ग का होना चाहिए, नॉर्मली अ आ जाएगा तो नहीं, अब यही लिख दें च ट औसति चटोसति नहीं बना दोगे, हाँ यहाँ उप उप क्या है उपसर्ग है, इसका अ होना चाहिए, तो यह अ जो है पररूप हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। जो लोग पूर्वरूप और पररूप पढ़े होंगे वही जानते होंगे अच्छे से, और ध्यान देना यूपी टेट में, यूपी टेट और सुपर टेट में ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन, एक पूर्व रूप संधि, एक पर रूप संधि, एक सेकंड थोड़ा लग रहा है पावर डाउन हो गया है, अभी लगा देने बंद हो जाएगा, हाँ एक सेकंड। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मन्नाधारी विश्व पुजारी एक दिन क्या हुआ कि मैं जो है चार्जिंग में नहीं लगा था, तो चार्जिंग में जो है दूसरा केबल लगा दिया,
दूसरे वाले लैपटॉप की वो वाली केबल लगा दी और फिर सोच रहे हैं पढ़ रहे हैं, अचानक से बक्स बंद हो गया, पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो लगाने के बाद अभी ध्यान आया कि चेक कर लें कि आ रहा है कि नहीं पावर, तो अब देखें आ रहा है। तो कहाँ पर हम लोग थे, बिल्कुल मजा आएगा ही आएगा। पितरव में अभी मैं पूछा था, पितरव अभी जस्ट जब आया था, अहिनकुलम नहीं क्या था पाणिपादम, तभी मैं कहा हूं पितरव एक शेष द्वंद द्वंद समास है, एक शेष द्वंद समास। इवन माता चा पिता चा दोनों आएंगे, लेकिन यहाँ पे केवल पुल्लिंग का द्योतक केवल पितरव लिखेंगे। जैसे छटकव भी आता है तो उसमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का होता है, पुल्लिंग वाले को लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए पुरुष प्रधान यहाँ भी दिखाई दे रहा है, कुछ दिन बाद में इसमें भी संशोधन करना चाहिए, यहाँ जो है माता रहु होना चाहिए। कुछ लोग आएंगे विद्वान जन उसको चेंज करेंगे, चेंज करते करते पूरी दुनिया जो है बदल गई, इतना इतिहास बन गया। हाँ बिल्कुल माता च पिता च, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। 14 को संस्कृत में क्या कहेंगे, चतुर्दश चत्वारिदश चतुर्दश इस वाला या फिर यह? अब आप प्रश्न संख्या 25 सॉरी हाँ 25 इसमें आप देखिएगा कितना होगा, दस चतुवारी तो बनेगा नहीं, इसको काटो, चतुवारिदश चतुर्दश लिखे हैं। आप लोग पढ़े होंगे चतुर्दश, चतुर्दशी लोग पढ़े होंगे, चतुर्दशी से भी आपको ध्यान में होगा। प्रश्न संख्या 25 राइट आंसर आएगा सी, ठीक है चतुर्दश। अक्सर करके एक वचन वाले ही पूछे जाते हैं, अक्सर करके एक वचन वाले, ठीक। सभी लोग लाइक कीजिएगा, सभी लोग शेयर कीजिएगा, सभी लोग ससमय उपस्थित हो जाए कीजिएगा। आज हम बात करेंगे, कल हो सकता है कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक एक मैराथन ले लेंगे, या 1 बजे तक ले लेंगे एक मैराथन, 10 से 1 ढाई 3 घंटे की। कुछ क्वेश्चन उसमें मैं पेडागॉजी वाले करवा दूंगा, क्योंकि जो लोग रीट देना चाहे होंगे कल उनको करवा कर करके, परसों क्लास हो सकता है कि न रहे, क्योंकि एक लोग को लेकर के हमको भी चलना है राजस्थान में, तो हो सकता है न रहेंगे, तो उसके लिए क्षमा। और कल जो है कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा राजस्थान के लिए जो है सोच रहे हैं करवा देंगे। हरि ही हरि म हरिणा हरे, यही है हरि ही हरि म हरिणा हरे, हरे हरे हरऊ हे हरे। तो आप गाते रहे गुनगुनाते रहेंगे हो जाएगा। कि तेरा मेरा साथ रहे जिंदगी की आस रहे, ठीक। आगे देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एकोनविंशति माने 20 से एक कम 19, ठीक है एकोनविंशति। ये देखो पा धातु में त्वा प्रत्यय मिलाओगे तो क्या बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। पा धातु में बनाओगे तो पात्वा बना दिए, हमको मालूम था यही बनाओगे पात्वा। प्रश्न संख्या 28 में याद कर लो, रट लो, खूब अच्छे समझ लो, या ईट का आगम हो जाता है पित्वा बन जाता है। जैसे पट धातु में पटता नहीं बनता है ऐसा कुछ, ठीक पठित्वा बन जाता है, उसी तरीके से उसको याद रखना, इसीलिए पूछा गया है। अच्छा जानते हैं सरल वाला नहीं पूछाता है, भू धातु में त्वा लगाओ भूत्वा ना, ऐसा बहुत कम पूछाता है। अच्छा आप लोगों के कितने लोगों के एग्जाम में कभी टेट वगैरह में या कभी पूछे प्रीवियस एग्जाम में यह आया हो कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, कितने लोगों के एग्जाम में यह आया स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है या गांधी जयंती कब मनाई जाती है। ये नेशनल फेस्टिवल्स माने जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती ना, और ये कभी क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं। अरे एक बार सरल क्वेश्चन पूछ लो, इतना बच्चों को रटवाया जाता है, इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य काव्य में क्या होता है, रसात्मक वाक्य होने चाहिए, ये यहाँ पे बात किए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 29 में आप कह दोगे विश्वनाथ जी ऐसा बात किया था, आचार्य विश्वनाथ जी का काव्य लक्षण में अगर आप देखेंगे तो यह चीज लिखा गया है, बिल्कुल करेक्ट। कुछ चीजें जो साहित्यिक हैं इसके लिए हम चलाएंगे अलग से क्लास लाएंगे, एक अनुवाद की भी कुछ देंगे, अनुवाद वाला भी कुछ करवाएंगे, और इसका भी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है।
फिलहाल अभी जो यह 4 बजे वाली क्लास है इस पर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा, तो किस पे ध्यान रहेगा? यूपी टेट और सुपर टेट पर, क्योंकि हमको लग रहा है कि इस पे बहुत सारे लोग अभी इस समय यूपी टेट सुपर टेट में लगे हैं, और जब अब सी टेट चल रहा है तो सी टेट पर एक कोई क्लास निर्धारित किया जाएगा, एक क्लास मिलेगा। क्लास चाहने थे तब आया था, उसके बाद कभी नहीं आया होगा। अरे कभी कभी का क्वेश्चन ये भी पूछ लिया करें, छोटा मोटा, इतना मेहनत से बच्चा पढ़ता है। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, और जो चीजें जो अनावश्यक संस्कृत जिसको लगता है कि अनुवाद पढ़ना नहीं चाहिए, या जो अनुवाद पढ़ना चाहे, जो और जैसे कुछ जो साहित्यिक किताबें पढ़नी चाहे, कुछ और जो संस्कृत की बहुत सारी जो डीप वाला अध्ययन करना चाहे, वो लोग आप हमसे जुड़ ही सकते हैं। हम तो निश्चित तरीके से हैं, क्योंकि यह क्लास जो अपनी ई लर्निंग विद दुर्गेश का जो चैनल है, यह अपना जो यहाँ प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर तैयारी वाली चीजें चलाई जाती हैं, और यहाँ पर यूपी टेट सी टेट सुपर टेट, खासतौर पे यूपी टेट सुपर टेट पे ज्यादा फोकस करना है। अब एक क्या होता है, क्या सर बोलते हैं, अब की बार एक सीट हमार वाली, ये वाली जो लाइन को यहाँ पर फॉलो होता है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए अभी इस पे रीड की ज्यादा क्लासेस नहीं चलाई गई हैं, लेकिन आगे जब हम रहेंगे कोशिश करेंगे कि संस्कृत वाली बहुत सारी क्लासेस आप लोगों को ससमय मिला करेंगी, और भी बहुत सारी मेरी क्लासेस होती हैं तो आप ले सकते हैं, खोज सकते हैं उसको। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसको बताओ, इसका अनुवाद होगा, इसका अनुवाद क्या होगा? मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे का क्या होगा? मुझे, मुझे के लिए संस्कृत अगर जिसको आ जाएगा वो आप बिल्कुल खोज करके निकाल लाओगे कि हाँ क्या, अहम माम मया महियम, तो महियम होगा। देखो महियम यहाँ भी है, महियम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ मकार तो भी नहीं होना चाहिए, यहाँ मकार इस वाले में होना ही नहीं चाहिए। कैसे नहीं होता? अनुस्वार मकार, मकार अनुस्वार कब होता है? जब यहाँ व्यंजन होता है तब यहाँ पर अनुस्वार होगा, और जब यहाँ स्वर हो जाएगा तो अनुस्वार नहीं तब मकार होगा, यह नियम है इसका। ठीक है, क्या है, जैसे अगर लिख दें अर्धम अर्धम, तो यहाँ पे अर्धम ऐसे अभी वाला लगेगा कि वाला लगेगा, क्योंकि आगे हम फिर से लिखेंगे अर्धम, तो अब अर्धम अर्धम अगर करोगे तो यहाँ पर यह नहीं लगेगा क्योंकि आगे स्वर आ गया है, तो आप इसमें ये कर दो अर्धम अर्धम कुरु। अगर यहाँ लिखते हम अर्धम अर्धम कुरु, आधा आधा करो, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह व्यंजन आ गया तब यह वाला मकार नहीं रहेगा, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा अर्धम अर्धम कुरु, इस तरीके से बनेगा। तो वो संस्कृत का रूल है अपना, ये छोटी बड़ी ये सब बातों को ध्यान रखोगे तब जाके सही होगा, अदरवाइज ध्यान से उतर जाता है सभी लोगों को तो गलत हो जाता है। अब जो केवल संस्कृत कर रहा है उसका तो ध्यान है, जिस संस्कृत नहीं कर रहा है बहुत सारे सब्जेक्ट के ज्ञानकार हैं तब क्या होगा। 30D फॉर दुर्गेश सर, हाँ बिल्कुल दुर्गेश सर के लिए डी आंसर करेक्ट है सर, एक्सप्लेन कर दिया। अभी अभी समझ में आया कि नहीं? मैं अभी अभी जस्ट अब की बार एक सीट हमार, बहुत सही। अच्छा एक बताओ पहले, जो अभी भी मैं अनुस्वार और मकार वाला कंडीशन बताया, समझ में आया कि नहीं? अनुस्वार और मकार, यह समझ में आया? जब कब अनुस्वार होगा कब मकार होगा? अनुस्वार जो है आगे जब व्यंजन रहेगा तब अनुस्वार अनुस्वार में रहेगा, लेकिन आगे अगला वाला वर्ण अगर स्वर आ जाएगा तो वो मकार में हो जाएगा। ठीक है, तब मकार हो जाएगा। ये सब नियम है, बहुत सारे नियम है संस्कृत के। आज एक लाइन थोड़ा सा बता दिए, अब वो सब चीज किताब, जैसे मेरा उद्देश्य है कि मैं सारे स्टेट के 6-7-8 किताबों को पढ़ा दूं, उसमें कहानियों को पढ़ा दूं, वहां पे जो व्याकरणात्मक चीजें दी हैं उसको समझा दूं, ताकि आप लोग पैसे जैसे जानते। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है संस्कृत में? संस्कृत में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि लोग पढ़ते हैं पैसे उसका मतलब नहीं समझ में आता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। संस्कृत के पैडागॉजी वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उनका मतलब नहीं समझ पाते हैं, मतलब समझ जाए तो CDP आप लोगों की मुझसे भी तेज है। CDP जो आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी पढ़ते हैं तो वो तो आप लोगों की मुझसे भी तेज है, मुझसे भी आप लोग बुद्धिमान है, लेकिन समस्या यह है कि संस्कृत आप लोगों की कमजोर है, जिससे आप संस्कृत में लिखी हुई बातों को समझ नहीं पाते हैं और उत्तर नहीं कर पाते हैं, और कोई कारण नहीं। किसी को और कुछ पूछना हो तो बता दो। तो लैंग्वेज सीखो, सीखने वाली बात है, लैंग्वेज पढ़ना ही थोड़ा कठिन है, सीखो। अच्छा कल के लिए भी मैं बात कर लेता हूं, तो हो सकता है 10 बजे या 11 बजे, 10 बजे के आसपास मैं कोशिश करूंगा कि क्लास लगे, और एक जो है मैराथन क्लास ले लेते हैं जो रीट वालों के लिए होगा, पैडागॉजी वाले क्वेश्चन, कुछ ग्रामर वाले क्वेश्चन ऐसे लेकर करके मैं उनको कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। अब वैसे एक दिन में बहुत बढ़िया कुछ तो नहीं किया जा सकता है रीट के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा कि नहीं कुछ तो 200-500 क्वेश्चन मैं करवा दूं एक दिन में, देखते हैं जो भी क्वेश्चन है। थोड़ा फास्ट चलाएंगे कल, थोड़ा फास्ट चलाएंगे कल, एक्सप्लेनेशन कम करेंगे फास्ट चलाएंगे। वैसे हमको लगता है बिना एक्सप्लेनेशन पढ़ाना मजा नहीं आता है, सर बोल रहे थे सर जो है ले लीजिए, हाँ बिल्कुल छेद कर देना। किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर सेशन को आप करेंगे।
और आप लोग अपना फीडबैक जरूर दे दिया कीजिए, जो भी कुछ कहना हो जरूर बता दिया कीजिए, क्लास कैसा है कैसा नहीं है सब कुछ के बारे में फीडबैक जरूर दिया कीजिए। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। तो आप सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। चलिए अच्छा एक एक आप लोगों के लिए प्रेरणा गीत, ठीक है, आप लोगों के लिए एक प्रेरणा गीत, आप लोगों के लिए एक कोई कह दिया है सर एक प्रेरणा गीत सुना ही दी, एक गीत सुना दीजिए, तुरंत दिमाग में हमारे आ गया कि हाँ ठीक है एक एक गीत जो है बन जाना चाहिए, ठीक है एक गीत। नहीं नहीं गाएंगे, आज भी गाएंगे कल भी गा देंगे, आज भी गा रहे हैं, ठीक है आज ही गा रहे हैं। चलिए एक गाना हम आप लोगों को जो है सुना देते हैं, एक प्रेरणा गीत। एक प्रेरणा गीत है कि व्यक्ति को कोई साथ मिले ना मिले लेकिन खुद से कुछ न कुछ काम करने चाहिए, ध्यान से सुनना। कि न हो साथ को, बिल्कुल साहित्य पढ़ाएंगे, साहित्य पढ़ाएंगे लेकिन अब साहित्य वाली जो चलेगी यहाँ पे हो सकता है पेट में, जब उसका अलग से रिकमेंडेशन आएगा तो होगा, अदरवाइज साहित्य के लिए हमारी जो क्लास छोटी मोटी चलती रहती है तो चलेगी मिलेगी जब बात की जाएगी इसे, ठीक है। कवियों की रचनाएं वगैरह तो ये सब तो कई बार पढ़ा चुके हैं, चलिए यहाँ भी अलग से करवा देंगे डिटेल वाली, ध्यान सुनिएगा एक गीत बता रहे हैं गा रहे हैं। कि न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। पढ़ाते पढ़ाते डायरेक्ट गाना हो जाता है इसलिए तुरंत टोन नहीं मिल पाता, अभी आ जाएगा। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख करके भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, घुना क्या किसी के उगाए उगेगा। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो मुड़े हैं, वहीं देख कर दूसरों के कूदे हैं। और बिना पंख कैसे उड़े जो गगन में, और न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो शांत कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगली दो तीन लाइन ध्यान सुनना, बहुत अच्छा लाइन है कि न, अब जब जो आदमी कभी मेहनत नहीं करेगा, कभी ठोकर नहीं खाएगा, उसको कैसे ज्ञान आएगा, कैसे मजबूत बनेगा, ध्यान सुनना। कि न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, और कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। और जिन्हें लक्ष्य से कम हो और खुद से अधिक हो, जिन्हें लक्ष्य से कम और अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो या आत्मनिर्भर, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो शांत कोई
अकेले चलो तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। चले फिर कभी सुनाएंगे तो सही टोन में गाएंगे, आज तो कुछ इधर उधर हुआ और नेक्स्ट डे फिर कुछ कुछ सुनाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। एक बार सभी लोग बाबा विश्वनाथ जी को प्रणाम करें, हर हर महादेव बोलेंगे फिर चल चलेंगे। तुषानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे श्री विश्वनाथम शरणम प्रपदे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे।